नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर कासगंज से। सचिव और रोजगार सेवक के बारे में भूतपूर्व प्रधान से जब पत्रकार ने बात की तो दो महीने की हेराफेरी जो सचिव और रोजगार सेवक ने की है उसके बारे में ऑडियो में बता रहे हैं। जब दो महीने में इतना घोटाला हुआ है तो पांच साल में कितना घोटाला किया होगा। मयंक प्रताप रिटायर्ड चकबंदी सीओ बीरेंद्र सिंह के भांजे हैं, जो मंजुल सेक्रेटरी सहावर और रोजगार सेवक इनके नजदीकी रिश्तेदार हैं, जिन्हें पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं। और नजदीकी रिश्तेदार होने की वजह से दैनिक परमार्थ आवाज न्यूज़पेपर से मंडल ब्यूरो नितेश भारद्वाज, किसान यूनियन से मीडिया प्रभारी कासगंज को SC ST एक्ट के तहत पूरे घर को कई केसों में फंसाने की धमकी दी थी, जिसके भी ऑडियो वायरल हो चुके हैं। पत्रकार नितेश भारद्वाज ने भूतपूर्व प्रधान से वार्ता की, जिसमें दो महीने के घोटाले के बारे में भूतपूर्व प्रधान ने खुलकर बताया और कहा कि जब दो महीने में इतना बचाया है तो मंजुल सेक्रेटरी और रोजगार सेवक ने पांच साल में कितने घोटाले किए होंगे। ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और रोजगार सेवक की न्यूज कुछ समय पहले नितेश भारद्वाज मंडल ब्यूरो अलीगढ़ ने लगाई थी, जिस पर चकबंदी रिटायर्ड सीओ बीरेंद्र सिंह ने मोबाइल पर पत्रकार को खुली धमकी दे डाली, औकात में आ जा नहीं तो पत्रकारिता करना भुला देंगे, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कासगंज सीओ सहावर SHO सहावर को दी गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस तरह सचिव, ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक के कारनामे आ रहे खुलकर सामने, जिसमें इन लोगों ने जनता का हक छीनकर स्वयं की जय में मजबूत की और ग्राम पंचायतों का कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। यह लोग अपनी ही जेबें मजबूत करते रहे। जब इसकी जानकारी जनता को हुई तब जनता ने पत्रकारों के माध्यम से प्रधान सचिव और रोजगार सेवक के बारे में न्यूज लगवाई, जिस पर बौखलाए सचिव और रोजगार सेवक अपने नजदीकी रिश्तेदार चकबंदी रिटायर्ड सीओ को बताया तो उन्होंने फोन पर ही धमकी दे डाली और कहा कि औकात में रहो, पत्रकारिता कराना भुला देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में आए दिन कहते रहते हैं, लेकिन पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार पर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। पत्रकारों को आए दिन धमकियां मिल रही हैं। प्रधान जी, बहुत पंडित जी महाराज का बस बढ़िया है, सरकार जी तुम्हारी मन रहेगा। अरे कहे तो ये मास पास का ही ना है, ये मोहित भैया संतना है जी, कह रहे मेरे हाथ में कोई बात ही ना है तो मैंने फिर से लोग कह रहे हैं भैया काम बांधने को काम ही ना है और पैसे बांधने की पैसे लगिए कम 12-13 करोड़ रुपया 12-13 लाख रुपया कोई हिसाब है 13 लाख के लगभग। अच्छा काम करवाए। अच्छा, और इंटरलॉकिंग बिछा रही भाई, इंटरलॉकिंग मैं खरीदा करो वो खरीदा पुरानी ईटर से वो खरीदा करते रहे भाई, कैसे सुरेश भाई गली को, सुरेश भाई गली से इंटरलॉकिंग भारी क्या केस है, डीलर भाई गली से खरीदा उखाड़ लो वही खरीदा की ईटर वहाँ बिछा रहे होंगे। और सभी प्रकाश में फोन करो मेरे पास, भैया तुम जाना तो वहाँ कहा मैं अधिकारी से कहो मुझसे पुरानी ईटर लग रही है। हाँ तो पैसा कर ले और इंटरलॉकिंग वहाँ करवा दीजिए, पुरानी सही पे ADM साहब से और BDO साहब से कह दिए अरे, और जिन न्यूज वायरल कर दिए कोई अधिकारी बढ़िया हो बताओ कहते हैं DPRO से कह दे DPRO से भी फाइन ना जाएगा से काम है, DPRO से करना पड़ेगा, उनसे कहो CDO साहब से या DC में रहेगा से नंबर भेज दो ना, आपके पास होंगे दो जन नए ठीक है, आप मैसेज कर दो ना, मैं कर रो काम कर दे ठीक है, भेज दियो याद से। जनपद कासगंज से अनिल मिश्रा, स्टेट क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट।